और अंग्रेजों में एक लास्ट बात करूंगा इस पे, ये तो छोड़िए कि वो क्या करते थे वो सब, मैं अभी पढ़ा 1800s के अंदर मेरी नजर में आया कि मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर था कुर्सी आपको मिल सकती है, तो कुर्सीधारी कुछ वर्ड यूज किया गया था कि अगर आप अंग्रेज अफसर के सामने बैठ पाए तो डीसी एक आपको चिट्ठी देता था या आपको सर्टिफिकेट देता था कि ये अपने एरिया का सम्मानित व्यक्ति है, तो अगर ये अंग्रेज के सामने हो, नॉट डीसी, एनी अंग्रेज, जूनियर मोस्ट अंग्रेज ऑफिसर के सामने भी है, तो इसको कुर्सी दी जा सकती है, और अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको कुर्सी भी नहीं दी जाएगी। दैट इज हाउ मच यू हैव टू बी ह्यूमिलेटेड, नो मैटर आप कितने विद्वान हो या कितने बड़े पूंजीपति हो। तो क्या ये सबसे बड़ी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है जो अंग्रेज भारत में डिस्क्रिमिनेशन की बात करना चाहते हैं? आपको एक कुर्सी तक नहीं मिलती थी। आउटराइट रेसिज्म है, आउटराइट रेसिज्म। दिस इज, ये लोग हमें अक्यूज करते हैं कि हम कास्टिस्ट है। अरे भाई अपना खुद का रिकॉर्ड देखो भाई, क्या बात करते हो। एनस्लेवमेंट ऑफ एंटायर कंट्रीज, जेनोसाइड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल, एंड दिस सॉर्ट ऑफ रेसिज्म, कैजुअल नॉर्मल रूटीन रेसिज्म, ये हर, दीज आर द वर्स्ट पीपल ऑन द सर्फेस ऑफ द प्लैनेट। दीज पीपल विद देयर आइडियोलॉजी एंड देयर मेंटालिटी एंड देयर वर्ल्ड व्यू, they have no right to discriminate, to accuse us of any such thing, and they have no business। भाई भारत में जो होता है वो तुम्हारा क्या काम है। लेकिन आज क्या हुआ है कि उनके जो आइडियोलॉजी वाले मेंबर्स है, फॉर इंस्टेंस द इंडियन एकेडमिक सिस्टम, सारे के सारे लेफ्टिस्ट से, ऑल ऑफ देम आर एंटी इंडियंस एंड दे आर ऑल हिंदूफोबिक। तो इसके लिए क्या होता है कि आज एजुकेशन सिस्टम सबको ब्रेन वॉश कर देती है, और छोटे छोटे बच्चे दे ग्रो अप बिलीविंग के इंडियन, इंडिया इज एन ईविल कल्चर, इंडियन ईविल सोसाइटी, बैकवर्ड, मिसोजिनिस्टिक, पेट्रियार्कल, कास्टिस्ट, क्या क्या नहीं। सो इसको हमें रिफॉर्म करने की बहुत जरूरत है, एंड आई होप इट हैपेंस समडे सून। आप जैसे कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं और वर्ल्ड ऑनलाइन जा रहा है, और वो जो डिवीजन था कि पहले जो आपको स्कूल में पढ़ाया गया वही आप पढ़ते थे, जो एक दो चैनल्स पे दिखाया वही आप देखते थे, नाउ ऑडियंसेस कैन मेक अप देयर ओन माइंड। सारा डाटा है, आपको लगता है अभिजीत गलत बोल रहे हैं, आप जाके रिसर्च कीजिए, अपना माइंड अप्लाई कीजिए। एक्चुअली दैट इज द बेस्ट थिंग, अगर आप सुनने के बाद थोड़ा रिसर्च करेंगे, एग्री या डिसएग्री, दैट इज द बेस्ट थिंग फॉर एनीबॉडी वॉचिंग एनी डिस्कशन ऑन दिस। अभिजीत आपने बिकॉज कल्चर की बात की, तो मैं सबसे पहले जाना चाहूंगा, सरस्वती रिवर कभी थी नहीं, हड़प्पन सिविलाइजेशन वैनिश्ड था और बहुत इस तरह सा था, कुछ सिविलाइजेशन ही नहीं था, और वहां पे कोई संस्कृति कॉन्टिन्यूटी तो बिल्कुल है ही नहीं। तो ये जो पूरा नरेटिव है ना, सरस्वती, लोग तो माँ सरस्वती मानते हैं, पर ये तो कहते हैं सर नदी भी मानो, तो नदी थी ही नहीं और सिविलाइजेशन बहुत माइनर सा था, उस पे आप क्या बोलना चाहेंगे और क्या लोगों को इन्फॉर्म करना चाहेंगे? तो ये जो जो मेन स्ट्रीम पॉपुलर जो नैरेटिव जो है, ऑफिशियल नैरेटिव हिस्ट्री बुक्स में, ये है कि जो सरस्वती नदी थी, इट इज अ मिथिकल रिवर, इट इज जस्ट मिथिकल थिंग, ऐसी कोई एक्चुअल फिजिकल नदी नहीं थी, ये सिर्फ लिखने के लिए थी नदी, एंड दैट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम गॉडेस और सम हिंदू गॉडेस, यू नो, बैकवर्ड हिंदू गॉडेस ये बोलते हैं। तो पहले बात तो ये उनका ये अंटिल वेरी रिसेंटली ये सब मानते थे कि ये सरस्वती वो सब मिथिकल रिवर, इन्होंने मेकअप किया था, इन्वेंट किया था। लेकिन अभी क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारा साइंटिफिक डेटा है, साइंटिफिक एविडेंस है, सैटेलाइट इमेजेस है। अगर आप गूगल अर्थ में जाएंगे एंड यू नो वेयर टू लुक, आपको एक इमेंस नदी का ड्राई रिवर बेड मिलेगा गोइंग फ्रॉम हिमालयस टू द इंडियन ओशन इन इन सौराष्ट्र एंड कच्छ, दैट रीजन। तो बहुत ही बड़ी नदी एक्चुअली हमें दिखती है, उसका ड्राई रिवर बेड दिखता है हमें फ्रॉम हिमालयस all the way down south to the Indian Ocean। और फिर साइंटिस्ट ने बहुत सारे टेस्ट भी किए, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी किए, और अब तो नेचर जो सबसे बड़ा साइंटिफिक जर्नल है पूरे विश्व में, सबसे प्रोमिनेंट है, उसमें भी अब ये पेपर्स पब्लिश होना लगे हैं कि दिस रिवर एग्जिस्टेड, देर इज नो डाउट अबाउट इट, साइंटिफिकली अब प्रूव हो गया है, और अब तो उसको ये सरस्वती भी बोलते हैं नेचर पब्लिकेशन में, राइट। सो दे हैव ऑल्सो आइडेंटिफाइड इट विद द वैदिक सरस्वती। सो अब तो ये बात पूरी उड़ गई है, evaporate hui hai, and I don't know what arguments they have now, but it is clear that there was an enormous river, sabse badi nadi thi Sapta Sindhu region ki, bigger than the Sindhu river, bigger than the Indus river, 2-3 kilometer ka uska width tha at some places, huge huge massive river। To ye to ab iska existence prove ho gaya hai, and it dried out approximately 1500 BC, matlab aaj se 350-4000 saal pehle ye dry out ho gayi। Ab ye log bolte hai ki Rigveda kuch 1500 saal, kuch 3000 saal pehle likha gaya tha, to bhai Rigveda mein to itne references hai, itni badi nadi ke
तो ये तो उस समय आप बोलते हो उस जब लिखा था ऋग्वेद तब तो ये ड्राई आउट हो गई थी, तो क्या उन्होंने I mean, it doesn't make any sense. So this again proves that the dating of Rig Veda is completely faulty. It has to be around 6000 BC when the river was in the prime. ये बात है. अभी आप हरप्पन बात करेंगे. ये लोग कहते हैं कि हरप्पन civilization vanish हो गया, गायब हो गया, हवा में उड़ गया. और आज के जो लोग हैं ये आर्यंस हैं, आर्यंस और द्रविड़ियंस के descendants हैं. और ऐसा भी बोलते हैं ये लोग कि हरप्पन civilization was originally a Dravidian civilization. और फिर ये आर्यन कहीं से आए, यूरोप से आए, वाइट स्किन वाले गोरे लोग थे और बहुत ही ब्रूटल थे क्योंकि वो हिंदू थे, हिंदू थे इसके लिए वो बहुत नेगेटिव लोग थे, बहुत ब्रूटल लोग थे. ये आ गए, उन्होंने पूरा हरप्पन सिविलाइजेशन तोड़ फोड़ दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया और सारे हरप्पन को साउथ इंडिया में भेज दिया जहां पर वो आज तमिल लोग हैं और ऑल दैट. ऐसा मेन स्ट्रीम नैरेटिव है. लेकिन अगर आप थोड़ा बिलो द सर्फेस देखेंगे, एक्चुअल डेटा देखेंगे, तो आपको कुछ और ही इमेज मिलेगा, आपको कुछ और ही रियलिटी मिलेगी. फॉर इंस्टेंस वो ASI का जो ब्रिटिश चीफ था, मार्शल था उसका नाम, आई थिंक जॉन मार्शल मार्शल, उसने स्वयं लिखा है ऐसा कि इफ यू लुक एट द, अगर आप एग्जामिन करेंगे द कल्चरल आर्टिफैक्ट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, व्हिच इज द एक्चुअली द सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, इफ यू लुक एट द कल्चरल आर्टिफैक्ट्स देन दे हैव अ रिमार्केबल सिमिलैरिटी विथ द कल्चर दैट इज फॉलोड इन इंडिया टुडे. इट इज द सेम कल्चर, इट इज ओनली वॉट वी कैन कॉल हिंदुइज्म एंड देयर इज नो अदर वर्ड फॉर इट. अगर आप देखेंगे आपको स्वस्तिका मिलेगा इंडस वैली ये जो आर्टिफैक्ट्स में, आपको शिवलिंग मिलेंगे, राइट, आपको शिवलिंग मिलेंगे, आपको छोटे छोटे स्टैचूज मिलेंगे लेडीज के जिनके मांग में सिंदूर है, राइट, सिंदूर वाले, और आपको लेडीज के स्टैचूज मिलेंगे जिनमें जो बहुत सारे बैंगल्स पहने हैं. ये सारा कल्चर, सारा ट्रेडिशन आज भी जीवित है भारत में. एंड देयर आर सो मेनी अदर एलिमेंट्स ऑफ कल्चर जो आज भी प्रेजेंट है. सो इससे हमें क्या मालूम पड़ता है, एक्चुअली रियलिटी क्या है कि अराउंड 10,000 ईयर्स, 10,000 वर्ष कम से इंडिया में एक अनब्रोकन कल्चरल रिलीजियस कंटिन्यूटी है. ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, हरप्पन सिविलाइजेशन कहीं भी वैनिश नहीं हुआ, ये आज भी जीवित है. हम वही है, वी आर द डिसेंडेंट्स ऑफ द इंडस सप्त सिंधु सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन पीपल. It is one phase of India's civilization and we are the continuity of that. और genetics अभी धीरे धीरे आने लगेंगे, papers और data, इससे ये सब prove हो जाएगा. और हुआ क्या था कि ये जो नदी है वो धीरे धीरे ड्राई हो गई, इसकी वजह से, इसके कारण से वहां के लोग को अलग अलग जगह पर माइग्रेट हो जाना पड़ा. एंड मैनी ऑफ देम वेंट टू ईस्टर्न इंडिया, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, डाउन साउथ, एंड दैट्स हाउ द इंडियन पॉपुलेशन इंटरमिक्स्ड अगेन एट दैट टाइम. तो ये दैट्स व्हाट आई कैन से. और यही बात इनको इरिटेट करती है कि जब आपका सिविलाइजेशन नहीं है, जब आपका बहुत जगहों पे धर्म को डेट किया जा सकता है, ऑल रिस्पेक्टफुल धर्म, बट धर्म को आप डेट कर सकते हैं, सनातन धर्म को आप डेट ही नहीं कर पाते हैं. इट इज इम्पॉसिबल टू डेट इट, इट्स अ कॉन्टिन्यूस सिविलाइजेशन. आप किसी भी और धर्म को देखिए, आप एक बिगिनिंग डेट निकाल पाएंगे, आप एक बोल पाएंगे कब ये चेंज आया, उससे पहले लोग क्या थे. फॉर एग्जाम्पल, से आपने उनको पेगन्स बोल दिया, पर वो क्या थे और आपने वो चेंज आया, तो वो एक सिविलाइजेशनल कल्चरल कॉन्शियस चेंज आ गया. जबकि यहाँ पे आप देख रहे हैं बिंदी वही है, सिंदूर वही है, चूड़ी वही है, मांग वही है, तो जब आपने चूड़ियां भी वही पहनी हुई है, तो ये कॉन्टिन्यूटी है. एंड दैट ग्लोरी और दैट कॉन्टिन्यूटी और समथिंग विच हैज लास्टेड सो लॉन्ग, ये मुझे लगता है उन हिस्टोरियंस को, और एक कंसेंसस बन गया था कि वो उनको इरिटेट करता था कि हमसे प्राचीन सभ्यताएं हैं और इनकी प्राचीन नॉलेज है, इसीलिए ये सब किया गया. थैंकफुली साइंस सब डिस्प्रूव कर रहा है और वो इसको रिजिस्ट नहीं कर पा रहे, तो बहुत काम करने को बचा है, बहुत चीजें करने को बची हैं. पर इसी के साथ, क्योंकि हम धर्म की बात कर रहे हैं अभिजीत, मैं चौथे टॉपिक पे आना चाहूंगा जहां कहा जाता है कि जो हमारा सनातन धर्म था वो कितना फैला हुआ था, कहां तक था, क्या उसका जोन ऑफ इन्फ्लुएंस था, कहां उसका एरियाज ऑफ प्रैक्टिस थे, क्योंकि ये दिखाना चाहते हैं कि बहुत सिकुड़ा हुआ सा था. और यहां तो ये भी ड्राई किया गया कि अलग अलग पार्ट्स ऑफ भारत में है ही नहीं, जबकि इतना रिलीजियसिटी है, इतने पेट्रियोटिज्म है हर पार्ट्स ऑफ भारत में. अभी मैंने एक लास्ट बार बोलूंगा, उसमें आऊंगा, तमिलनाडु की वो ब्यूटीफुल वीडियो आई थी जहां पे जनरल बिपिन रावत और वो एम्बुलेंस जा रही थी
किस तरह लोग अपने आप हजारों की संख्या में रोड के दोनों साइड खड़े होके, दैट इज द पेट्रियोटिज्म, बी एट तमिलनाडु, बी एट असम, बी एट पंजाब, बी एट यूपी, एवरी पार्ट ऑफ भारत हैज दैट। जितना मर्जी ये कोशिश कर लें तभी शायद हम एक कॉन्टिन्यूस सिविलाइजेशन है। पर ये क्या स्प्रेड था हमारे धर्म का, इस पे आप थोड़ा बात कीजिए जी। तो ऑफिशियल नैरेटिव ये है कि हिंदुइज्म सेंट्रल एशिया में पहले था, सीरिया में पहले था, जो आर्यंस थे उनका धर्म था, और फिर इन्होंने इंडिया में इन्वेजन किया और ईरान में इन्वेजन किया, और इंडिया में ये हिंदुइज्म बन गया विद द कास्ट सिस्टम, ब्राह्मिनिज्म, ब्राह्मिनिकल पेट्रियार्की, और ईरान में ये जरथुस्त्र का रिलीजन बन गया, ज़ोरोअस्ट्रियनिज्म। ये ऑफिशियल उनका जो नैरेटिव है। अभी अगर हम थोड़ा एग्जामिन करेंगे हमारे धार्मिक एलिमेंट्स फॉर इंस्टेंस, तो हमारा जो दो जो हमारे जो वैदिक देवी देवता थे, जो वैदिक पैंथियन था, उसमें एक एक बहुत ही एंशंट डिविनिटी थी, द्योस पित्रो। द्योस पित्रो सबसे वरिष्ठ देव थे उस समय के, और इंद्र भी थे। इंद्र का जो मेन वेपन है वो वज्र है, विच इज अ थंडर बोल्ट एंड अ हैमर। तो ये मेन दो गॉड्स थे। अभी क्या, अब अगर आप ग्रीक सिविलाइजेशन देखेंगे तो ग्रीक में सबसे बड़े जो गॉड है वो ज़ूस है, ज़ूस, राइट। अभी ज़ूस का क्या स्टेटस है, उनका उनका जो मेन वेपन क्या है, वो भी है वज्र, थंडरबोल्ट एंड हैमर। और ज़ूस का जो लिंग्विस्टिक ओरिजिन है, मैं आपको दिखाता हूँ, वो उसका एक्चुअल नाम है ज़ूस पेटर। ज़ूस पेटर अगर आप इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका देखेंगे तो वो कहेंगे आपको कि ज़ूस पेटर का ओरिजिन है द्योस पित्रो। It is a Greek way of saying Dios Pitro. And Dios Pitro is the oldest Indo-European god that we know of. So Zeus is nothing but the Greek version of Dios Pitro, and he has also incorporated elements of Indra. Okay, uska jo vajra hai aur thunderbolt, all that, right? So the Greek pantheon is a copy or a descendant of the Indian Vedic pantheon. Abhi Zeus Pater hai Greece mein, wo Rome mein ban gaya Jupiter. जुपिटर भी वही है, उसका भी थंडर बोल्ट है और उसका भी हैमर है, और वो इवेंचुअली बन गया पेरुन बन गया अपना स्लाविक कंट्रीज में, और वाइकिंग्स में वो थॉर बन गया। थॉर, आपने थॉर तो देखा ही होगा, उसका भी थंडर बोल्ट है और वो बड़ा सा हैमर है, वो इंद्र है एक्चुअली, और ये बहुत ही रिसेंट कल्चर है। तो ये एक आपको दिखेगा कि जो वैदिक पैंथियन ऑफ गॉड से आपको पूरे यूरोप में, पूरे यूरेशिया में दिखेगा, लेकिन इंडिया इज द ओल्डेस्ट कल्चर एज वी हैव सीन, सो इट हैज कम फ्रॉम इंडिया, पहली बात ये। अभी दूसरी बात है, हमारी एक वैदिक देवी थी, देवी दानू, शी इज अ रिवर गॉडेस, नदियों की देवी थी वो। अगर आप बाली जाएंगे तो वहां पर वो देवी दानू को पूजते हैं आज भी, राइट। अगर आप यूरोप में, ईस्टर्न यूरोप में नदियां देखेंगे तो आपको दिखेगी डैन्यूब नदी, डॉन, डनाइपर, डोनेट्स, दुनाय, ये सब दानू के ऊपर नेम्ड है। दिस रिवर्स आर ऑल नेम्ड आफ्टर दानु, द वैदिक गॉडेस दानु। जो स्कीथियन लोग थे, शक लोग थे, उनकी भाषा में वाटर, पानी का शब्द था दानु। और ये दानु का जो कल्चर है वो कहां तक फैला, अगर आप आयरलैंड का जो मिथोलॉजिकल हिस्ट्री देखेंगे, जो आज उसका एविडेंस नहीं है, तो उनके जो एंसेस्टर थे, दे वर कॉल्ड द पीपल ऑफ द गॉडेस दानु। उनकी जो मदर गॉडेस है, शी इज अ रिवर गॉडेस जिसका भी नाम दानु है, ये आयरलैंड तक फैला है। तो आपको ऐसे हजारों एग्जांपल्स मिलेंगे, आपको वही सारे देवी देवता, सारे गॉड्स मिलेंगे, पॉलीथीस्ट रिलीजन, राइट। और उनका जो कल्चर था, इट वाज अ सर्टेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन कल्चर। तो आपको क्या मिलेगा 2000 इयर्स बिफोर टुडे, पूरा यूरेशिया जो है उसमें एक ही कल्चर था विद लॉट्स ऑफ लोकल different manifestations. तो आप अगर locally देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये कुछ अलग ही है, लेकिन आप अगर उसको big picture से देखेंगे तो आपको दिखेगा सारे patterns कि सब एक ही चीज है, सब एक ही culture का, एक ही tradition का, अलग 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 local representations है। So it was spread all across Europe in the ancient days. अगर आप Hinduism and Buddhism dharma की बात करेंगे, for example, I have said hundreds of times, Buddhism, Hinduism एक ही चीज़ है, कोई अलग चीज़ नहीं है। तो अगर आप Central Asia देखेंगे, Central Asia, जो Kazakhstan, Tajikistan, Uzbekistan, all these regions, तो
तो वहां पर आपको कितने सारे डिस्ट्रॉयड स्तूपस मिलेंगे, आपको वहां पर डिस्ट्रॉयड हिंदू टेम्पल्स मिलेंगे. अगर आप ईस्टर्न यूरोप में जाएंगे, इट इज एक्चुअली कॉकेसस रीजन, आर्मेनिया एक्सेट्रा, वहां पर आपको डिस्ट्रॉयड हिंदू टेम्पल्स मिलेंगे. वहां पर 2000 वर्ष पहले भी हिंदू टेम्पल्स थे जिसके ऊपर उन्होंने चर्चेज बना दिए, मोनेस्ट्रीज बना दी, राइट. तो ये हिंदुइज्म वहां पर था. धार्मिक कल्चर वॉज ऑल अक्रॉस सेंट्रल एशिया. वहां पर भाषा कौन सी बोलते थे, गांधारी भाषा, जो अपनी नॉर्थ इंडियन भाषा है, आज उसको अफगानिस्तान बोलेंगे लेकिन वो गांधार था. और इंडियन कल्चर इट स्प्रेड ऑल अक्रॉस ईस्टर्न एशिया. चाइना को डीपली डीपली इन्फ्लुएंस किया इंडिया ने. पूरा का पूरा साउथ ईस्ट एशिया हिंदू था, हिंदू बुद्धिस्ट व्हाट एवर यू कॉल इट. इंडोनेशिया का सबसे महान एम्पायर मजापाहित एम्पायर हिंदू था. एंड हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस आर वर्शिप्ड इवन टुडे इन जापान विद जापानीज नेम्स. फॉर इंस्टेंस देवी सरस्वती को वो बिनजाइतेन बोलते हैं, गणेश को कुछ और बोलते हैं, उनके अलग अलग लोकल नेम्स हैं. लेकिन जापान में जिसको बुद्धिस्ट कंट्री बोलते हैं, वहां पर इनसाइड बुद्धिज्म दे आर वर्शिपिंग हिंदू गॉड्स एंड हिंदू डिविनिटीज. और थाईलैंड में आज शिव जी की बहुत पूजा होती है, गणेश जी की बहुत पूजा होती है, एंड सो ऑन सो फॉर्थ. हिंदुइज्म वाज स्प्रेड ऑल द वे टू द फिलीपींस, हर जगह. तो अगर आप हिस्ट्री देखेंगे, जो आपको दिखाया नहीं जाता है, आपके आपके टेक्स्ट बुक्स आपको ये बोलेंगे नहीं, आपके टीचर्स प्रोफेसर कभी नहीं बोलेंगे, लेकिन हिंदुइज्म एंड इंडियन कल्चर वाज स्प्रेड ऑल अक्रॉस यूरेशिया, एवरीवेयर. ये बात है. और ये आज भी मैनिफेस्टेशन है, जैसे आपने बोला आप बाली जाइए, आज भी एक उसकी मैनिफेस्टेशन है. आप जापान जाइए, आप उसकी मैनिफेस्टेशन आज भी देखते हैं. और जो थोड़ी डाइवर्सिटी की बात करते हैं कि डिफरेंट फॉर्म्स, तो मैं तो इतना बोलूंगा कि भारत के अंदर ही आज आप अगर देखें तो सेम देवी देवताओं के डिफरेंट रूप जो भारत है आज का है उसके अंदर भी लगे. वो छोड़िए, एक प्रदेश के अंदर, यूपी के अंदर डिफरेंट स्लाइट स्लाइट डिफरेंसेस आ जाते हैं इन द वे यू डू योर रिलीजियस सेरेमनीज, इन द वे यू स्पीक, डायलेक्ट चेंज हो जाते हैं. यूपी तो एक ही स्टेट है, मैं देश की भी बात नहीं कर रहा, क्योंकि जो सेंट्रल इन्फ्लुएंस है वो सनातन धर्म है, वो सेंट्रल इन्फ्लुएंस सेम है, उसके मैनिफेस्टेशन थोड़े थोड़े चेंज होते रहते हैं. अभिजीत, ये एंशियंट हिस्ट्री से जैसे हमने फ्रेंड्स हमने बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीजें करी, क्योंकि हम पांच अलग अलग टाइप के अभिजीत टाइम पीरियड्स की बात करना चाह रहे थे, महाभारत की, हरप्पन सिविलाइजेशन की, हमारा रिलीजन की गैस फ्रेंड है सरस्वती. अब मैं आता हूँ लास्ट टॉपिक पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत की आजादी कैसे, भारत की आजादी को लेके क्या फैक्टर्स आ गए थे. आप में से कितनों ने द फेमस इंडियन नेवी रिवोल्ट ऑफ 1946 सुना हुआ है, क्योंकि हमें तो यही बोला गया कि सिर्फ और सिर्फ नॉन वायलेंस से. अंग्रेजों ने बोला कि बहुत अच्छे लोग हो आप इतने अच्छे लोग हो, आप इतना नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट करते हो, हमारे दिल में करुणा आ गई कि इतने अच्छे लोगों के ऊपर हम राज कर रहे हैं, और इस करुणा के अंदर हम जो आपके यहाँ पे फैमीन्स कर देते थे, हम जो जलियांवाला बाग कर देते थे, हम जो आपको चेयर नहीं देते थे, उनको इतनी दया आ गई कि हम आपकी नॉन वायलेंस से छोड़ के चले गए. तो एक सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में तो सब जानते ही हैं, एक बहुत बड़ा हिस्ट्री का पार्ट है इंडियन नेवी रिवोल्ट, उसके बारे में अभी जी, इवन इफ यू वांट टू स्पीक अबाउट नेताजी व्हाटएवर, तो ये जो डिफरेंट पहलू है इसके ऊपर थोड़ा बताइए. जी बिल्कुल. तो इंडियन नेवी रिवोल्ट, रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट 1946 में हुआ, लेकिन उसको समझने के लिए थोड़ा बैकग्राउंड देखने की जरूरत है. तो इसका बैकग्राउंड क्या है, 1939 आई थिंक में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ. उसमें बहुत सारे कंट्रीज इन्वॉल्व थे, पूरा का पूरा यूरोप एम्ब्रॉयल हो गया, एंड जापान भी एम्ब्रॉयल हो गया इन एशिया. अभी क्या हुआ कि ब्रिटेन वॉज वेरी मच अ पार्टिसिपेंट इन दिस वॉर, और ब्रिटेन का जो आर्मी था उसमें 2.5 मिलियन भारतीय सोल्जर्स थे. 25 लाख इंडियन सोल्जर्स ने ब्रिटेन के लिए फाइट किया, इवन दो इट हैड नथिंग टू डू विद इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट. तो ये ब्रिटेन के लिए फाइट करने गए, दे फॉट, दे वर द ब्रेवेस्ट सोल्जर्स, दे फॉट, दे ब्लेड, दे डाइड फॉर अनदर कंट्री, फॉर द ऑक्यूपायर्स ऑफ इंडिया. ठीक है, तो ये पूरा वर्ल्ड वॉर हुआ, बहुत सारे 25 लाख इंडियन सोल्जर्स ने पार्टिसिपेट किया. 1945 में इवेंचुअली जर्मनी हार गया, हिटलर ने सुसाइड कर दिया, और एशिया में जापान भी हार गया विद द ट्विन न्यूक्लियर बॉम्बिंग्स ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी. तो इसकी वजह से, इसके कारण से द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ. तो ये सारे सोल्जर्स फिर वापस घर चले गए. तो अब क्या हुआ कि ये जो वॉर था, ये बहुत ही डेवास्टेटिंग वॉर था. इसकी वजह से, इसके कारण से ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम फाइनेंशियली क्रिपल हो गया था.
ठीक है, एंड दे वर नो लॉन्गर इन अ पोजिशन वेर दे कुड होल्ड ऑन टू देयर ओवरसीज कॉलोनीज द स्लेव नेशंस. इंडिया वॉज वेरी फार अवे, इंडिया इज अ वेरी बिग नेशन टू एडमिनिस्टर, एंड दे वर नो लॉन्गर इन अ पोजिशन टू एडमिनिस्टर इंडिया. और एक्चुअली क्या हुआ था कि भारत के पास अब कुछ बचा ही नहीं था देने को यूके को, सब कुछ उन्होंने चूस लिया था, सब सारा का सारा खून पी गए थे. अभी इंडिया का जीडीपी 2% हो गया था वर्ल्ड का, इंडिया का लाइफ एक्सपेक्टेंसी 29 ईयर्स था, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 29 ईयर्स था. कैन यू बिलीव क्या किया उन्होंने इंडिया को. तो ये सिचुएशन था. तो सारे के सारे सोल्जर्स वापस इंडिया आ गए और उनका धीरे धीरे डीमोबिलाइजेशन स्टार्ट हुआ. डीमोबिलाइजेशन मतलब यू आर रिलीव्ड फ्रॉम द आर्मी, यू आर रिलीज फ्रॉम द आर्मी. ठीक है, तो ये प्रोसेस बहुत ही स्लो था, बहुत ब्यूरोक्रेटिक था और नेवी का स्पेशली स्लो था, नेवी का, रॉयल इंडियन नेवी का. तो उस समय इंडियन नेवी, रॉयल इंडियन नेवी में अबाउट 80 बिग वॉरशिप्स थे विथ बिग गन्स, कैनन्स एंड ऑल दैट. और रॉयल इंडियन नेवी का स्प्रेड क्या था, मुंबई, कराची, मैड्रास कहते थे उसको उस समय, मद्रास, विशाखापट्टनम, अंडमान, सिंगापुर, इंडोनेशिया एंड ऑल्सो इन द मिडल ईस्ट. इतना बड़ा स्प्रेड था इंडियन नेवी का. अभी क्या हुआ कि ये जो सारे सेलर्स थे मुंबई में, कराची में एक्सेट्रा, ये उनको बिठा दिया गया बैरक्स में और बोला कि अब बैठो, व्हेन यू वेट फॉर अस टू डू द ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग यू. तो बहुत ही लंबा प्रोसेस चला ये. उनका ट्रीटमेंट बहुत बुरा था, उनकी सैलरीज वेजेस बहुत कम थी, उनका खाना बहुत खराब था, एंड दे वर फेसिंग लॉट ऑफ रेसिज्म फ्रॉम देयर ब्रिटिश सुपीरियर्स. दे वर कॉल्ड सन्स ऑफ कूलीज, सन्स ऑफ बिचेस, ब्लैक बास्टर्ड्स, पता नहीं क्या क्या बोलते थे उनको. तो इवेंचुअली कुछ तो हो गया. और मुंबई में कुछ 200 सेलर्स ने एक स्ट्राइक कर दिया. दे वेंट ऑन अ स्ट्राइक, दे वेंट ऑन अ प्रोटेस्ट, दे स्टार्टेड सैल्यूटिंग देयर सुपीरियर्स विद देयर लेफ्ट हैंड, ऐसे लेफ्ट हैंड से सैल्यूट करने लगे. उन्होंने वॉल्स पर ग्राफिटी लिखना शुरू कर दिया, क्विट इंडिया एंड थिंग्स लाइक दैट. एंड देन क्या हुआ कि बहुत सारे और लोगों ने इसमें, बहुत सारे और सेलर्स ने इसमें ज्वाइन कर दिया. और फिर क्या हुआ कि ये पूरा जो प्रोसेस है ये वायरल चला गया, वायरल, इट वेंट वायरल, बिकॉज दीज गाइज हैड कैप्चर्ड द टेलीकम्युनिकेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन नेवी. वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर था फॉर दैट टाइम, वायरलेस एंड ऑल दैट, एंड दे कम्युनिकेटेड विद ऑल द शिप्स. एंड ओवरनाइट क्या हुआ कि 78 इंडियन वॉरशिप्स रिबेल्ड अगेंस्ट द ब्रिटिश ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया. The British lost control of the Indian Navy overnight. Overnight, 78 ships in Karachi, in Mumbai, in Vishakhapatnam, in Madras, in the Andamans, even in Indonesia, Singapore, and in the Middle East. ये हालत हो गई, right? And they had no way to. और सबसे बड़ी बात ये है कि मुंबई के लोगों ने, कराची के लोगों ने भी इसमें पूरा साथ दिया. They also went on strike. They've also started doing demonstrations, protests on the streets of Mumbai and Karachi. They started pushing the English people around and heckling them and all that. They burned trains, British occupation infrastructure. They burned trains, they destroyed the British buildings. और ये बहुत dangerous situation हो गया था. अभी important बात ये है कि इस समय Indian Army को इस बात के बारे में पता नहीं था. क्योंकि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी आज भी बहुत अलग अलग फोर्सेस है, कम्युनिकेशन थोड़ा कम होता है आज भी. तो उस समय कुछ कम्युनिकेशन नहीं था और आज के जैसा कुछ वो टेक्नोलॉजी नहीं था. सो इंडियन आर्मी 25 लाख सोल्जर्स को इसके बारे में अब तक पता नहीं था. ये चीज कब हुई, आई थिंक इट्स इन फेब्रुआरी 1946, ये रिवॉल्ट. तो ब्रिटिश बहुत डर गए कि अगर, और उस समय क्या था कि पूरा नेशनल माहौल ऐसा था कि इंडियन नेशनल आर्मी, सुभाष चंद्र बोस की आर्मी ने बहुत अच्छी फाइट दी थी ब्रिटिश को, इन द बर्मीज कैंपेन, इन द बैटल ऑफ इम्फाल, बैटल ऑफ कोहिमा, बहुत अच्छी फाइट दी थी. सुभाष चंद्र बोस केम ऑल द वे अप टू मोइरांग इन मणिपुर. सो इंडिया, और फिर क्या हुआ कि वो हार गए अनफॉर्चुनेटली, और उनके सोल्जर्स को अरेस्ट कर दिया गया और उनका कोर्ट मार्शल हो रहा था एंड ऑल. तो इंडिया के लोग बहुत दुखी थे और बहुत गुस्से में थे इस बात से. तो ये सिचुएशन थी उस टाइम पे, ये माहौल कहते हैं, माहौल था. और यहाँ पर ये नेवी का रिवोल्ट हो गया, पूरा का पूरा नेवी आउट ऑफ कंट्रोल चला गया. और अगर इंडियन आर्मी को इसके बारे में मालूम पड़ गया तो इन 24 to 48 आवर्स ब्रिटिश ऑक्यूपेशन वुड बी ओवर. और क्या होता उस समय, ऐसा होता तो कि इन द पीपल ऑफ इंडिया वुड हैव टेकन पावर बैक थ्रू वायलेंस, थ्रू फोर्स, ऑन देयर ओन टर्म्स, नॉट ऑन द टर्म्स दैट द ब्रिटिश गिव यू. तो आजादी हमें भीख में नहीं मिलती, हम छीन के लेते थे. तो ब्रिटिश बहुत डर गए. तो उन्होंने पुलिस को कहा मुंबई में और कराची में कि भाई आप ये क्राउड को कंट्रोल कीजिए. पुलिस ने भी मना कर दिया.
पुलिस ने भी मना कर दिया, द पुलिस ऑल्सो ज्वाइन द प्रोटेस्ट। फिर इन्होंने क्या किया कि एक दो रेजिमेंट्स इंडियन आर्मी के लाए, उनको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया और उन्हें ऑर्डर किया कि आप ये क्राउड बहुत ये सब कर रही है, ठीक करो उनको। सो द इंडियन आर्मी ओपन्ड फायर ऑन अनआर्म्ड मेन विमेन एंड चिल्ड्रन इन मुंबई इन कराची। ऑफिशियल डेथ टोल कुछ 200-300 होगा, ये झूठ है। थाउजेंड्स डाइड इन द सिटी ऑफ मुंबई इन द सिटी ऑफ कराची, थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट अनआर्म्ड इंडियंस डाइड मेन विमेन एंड चिल्ड्रन इन मुंबई इन कराची। आई डोंट नो अबाउट मद्रास एंड विशाखापट्टनम, हमारे हिस्टोरियंस ने कोई रिकॉर्ड रखे नहीं है, सब कुछ उन्होंने अंडर द कार्पेट स्वीप कर दिया है। तो ये सिचुएशन हो गई थी, बहुत वॉलेटाइल सिचुएशन थी, राइट? और ये जो सेलर्स थे उन्होंने क्या किया, हर एक इंडियन नेवी शिप उन्होंने 3 फ्लैग्स लगा दिए, एक इंडियन नेशनल कांग्रेस फ्लैग, एक मुस्लिम लीग फ्लैग और एक इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी फ्लैग, क्योंकि ये 3 प्रोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टीज थी उस समय पर। ओके, तो उन्होंने ये एक सॉलिडारिटी डिक्लेयर की विद द सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया, बिकॉज दे थॉट दीज आर फ्रीडम फाइटर्स। अब क्या हुआ, रिएक्शन, पॉलिटिकल रिएक्शन क्या आया, द इंडियन नेशनल कांग्रेस का रिएक्शन क्या आया, मिस्टर मोहनदास गांधी कंडेम्ड दिस एक्शन। उन्होंने कहा कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, हाउ कैन यू डू सच अ टेरिबल डिसोबीडियंस। भाई आप ही तो बोलते थे सिविल डिसोबीडियंस, तो सिविल डिसोबीडियंस नेवल डिसोबीडियंस क्यों नहीं बन सकती, बट ही कंडेम्ड इट वेरी स्ट्रांगली। So the Indian National Congress condemned this action. कैसा नहीं करना चाहिए आपको। The Muslim League under Mr. Jinnah also strongly condemned this thing. Only the Indian Communists supported for their own personal agenda. Okay, because they wanted a communist revolution. Maybe अगर Indian National Congress और Muslim League नहीं करे तो हम इसमें घुस जाए और हमें हमें कुछ benefit मिल जाए इसका, तो इसके लिए उन्होंने support किया। लेकिन जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज थी कांग्रेस और मुस्लिम लीग, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। ये सेलर्स बहुत डिसहार्टन हो गए। फिर क्या हुआ कि मोहनदास गांधी ने मिस्टर पटेल, मिस्टर वल्लभ भाई पटेल को मुंबई भेजा कि आप इनसे बात कीजिए, आप उनको ठीक कीजिए। तो मिस्टर पटेल, वल्लभ भाई पटेल मुंबई आए, उन्होंने इन लोगों से बात की मुंबई में, उन्होंने इनको अश्योरेंस दी सेलर्स को ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश। मिस्टर पटेल अश्योर्ड द सेलर्स ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट कि आप इमीडिएटली सरेंडर कर दीजिए, आपको कोई रिपरकशंस नहीं होंगे, आपके सामने कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी, कोई कठिनाई नहीं होगी। तो इवेंचुअली कुछ 7-8-10 दिन के बाद ये सेलर्स बहुत हताश हो गए, दे बिकेम वेरी डिसहार्टेंड एंड दे ऑल सरेंडर्ड। एज सून एज दे सरेंडर्ड दे वर ऑल अरेस्टेड, इम्प्रिजन्ड एंड कोर्ट मार्शल्ड। तो इमीडिएटली जो सरदार पटेल ने जो वर्ड दिया था, it was broken immediately. Fir kya hua ki they were imprisoned for months, they were given terrible treatment, maybe some of them were tortured, they were starved, aur bharat ki swatantrata ke baad they were not reinstated to the naval positions, they were not given compensation for their treatment, and they just vanished into obscurity. This is how India and also Pakistan treats its patriots. Theek hai, to kya hua ki iske wajah se they were able to quell the insurrection and they were able to, अभी क्या था ये मिस्टर गांधी और मिस्टर जिन्ना ने क्यों oppose किया, क्योंकि उस समय 1946 में preparations चल रहे थे for the British withdrawal from India and for partition. तो Muslim League had something big to gain, उनको पूरा पाकिस्तान नाम का एक देश मिलने वाला था और Congress Party को transfer of power मिलने वाला था from the British with all the institutions and power structures intact. जो ब्रिटिश ऑक्यूपेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और पावर स्ट्रक्चर से इंस्टीट्यूशन से, वी नो व्हिच इंस्टीट्यूशन से, यार आज भी जीवित है वो सब, आप ही एक इसके एक मेंबर हो, फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जांपल। सो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन सारे के सारे इंटैक्ट मिलने वाले थे कांग्रेस को, सारे पावर स्ट्रक्चर्स उनको इंटैक्ट मिलने वाले थे, तो व्हाई वुड दे लेट दैट गो। और ये जो इंसरेक्शन हुआ नेवी का, इट वॉज अ ह्यूज चैलेंज, इट वॉज अ ह्यूज थ्रेट फॉर द कांग्रेस पार्टी एंड फॉर द मुस्लिम लीग, बिकॉज उनको जो मिलने वाला था इतना बड़ा प्राइज, वो उनके हाथ से छूट सकता था। सो दैट इज वाई दे डिड नॉट सपोर्ट इट, दे मिसलेड द सेलर्स कि आपसे आपको आपके साथ कुछ नहीं होगा, बट दे आर ऑल बिट्रेड। सो दिस वॉज द ग्रेट बिट्रेयल ऑफ इंडिया। 1946 में भारत को स्वतंत्रता मिल सकती थी एज अ यूनाइटेड कंट्री on our terms, not on the terms that the British gave us. ये भारत का सबसे बड़ा betrayal है at the hands of the Congress Party, Indian National Congress and the Muslim League. और ये जो communists है, उनका भी अपना agenda था for supporting the sailors. भाई communists always want the big revolution ना,
कम्युनिस्ट वांट अ बिग रेवोल्यूशन, तो दिस कुड हैव बीन दैट रेवोल्यूशन दैट दे कैन कैप्चर एंड से दैट हमने करवाया. तो इसके लिए उन्होंने सपोर्ट किया बिकॉज हिस्टोरिकली कम्युनिस्ट हैव ऑलवेज बीन एंटी इंडिया. तो ये संक्षेप में कहानी है 1946 रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट की, व्हाट कुड हैव बीन एंड व्हाट वी गॉट. विजीत बहुत इंटरेस्टिंग आपने ये सारे पहलू रखे इंक्लूडिंग द लास्ट वन ऑफ द रॉयल नेवी रिवोल्ट, क्योंकि इसमें मैं एक बात सिर्फ जुड़ना चाहूंगा क्योंकि आप जब ये बात बोले मुझे भी बहुत चीजें नहीं लगी, बहुत सारे टॉपिक्स में बहुत चीजें नहीं लगी, बहुत चीजें बहुत नॉलेजेबल हैं आपने जो दी उसमें, पर जब आप बोलते हैं तो ये यस एक दिमाग में बात आती है कि अगर आर्म्ड रेवोल्यूशन से पावर आती तो उस रेवोल्यूशन में से कोई शायद प्राइम मिनिस्टर बन जाता या कम से कम बहुत बड़े पद पे पहुंचता, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पहुंचता. तो जो एस्टैब्लिश्ड पार्टी हैं चाहे वो मुस्लिम लीग हो चाहे वो कांग्रेस हो, तो वो इसको नजरअंदाज करना चाहेंगी और यही दिखाना चाहेंगी जनता के पास जाते हुए, देखो हमने और सिर्फ हमने, ये नहीं कि हमने भी बहुत काम किया, ऑब्वियसली कांग्रेस में बहुत पेट्रियट्स ने बहुत काम किया, हमने भी काम किया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी काम किया, आम रेवोल्यूशन ने भी काम किया, पर नहीं, अगर आप वो दिखाएंगे तो पावर स्ट्रक्चर एज यू सेड डाइसी हो सकता है. तो रादर सब हमने ही किया और हमारे ही पीसफुल मीन से आगे, जबकि इतिहास और हिस्ट्री में बहुत ऐसे पहलू हैं जो डिफरेंट चीजें दिखाते हैं और बहुत मैसिव कॉन्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं डिफरेंट चीजों की. Abhijit, thank you so much for covering such different five topics and taking out time. And I would keep requesting you ki thode dino baad kisi aur topic pe aise hi aap apna samay nikal. Wow, it was wonderful. I usually research about our history, lekin ye last wala mutiny wala mujhe bhi nahi pata tha. With Abhijit Chawda ji, we always learn something new, something very important. Aur casteism pe jaisa unhone kaha, कास्टिज्म हमारी प्रथा ही नहीं है, हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी ऑक्यूपेशन बेसिस पे, लेकिन आपस में भेदभाव नहीं थे. भेदभाव ये अंग्रेज़ों ने और लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस ने पैदा किए हैं. एंड आई रियली लाइक हिस पॉइंट जहाँ पे उन्होंने कहा कि हमें टीवी सीरियलों से या फिल्मों से हमारे इतिहास के बारे में नहीं सीखना चाहिए क्योंकि वो तो मसाला ही बेचेंगे और गॉड नोज उनका क्या नैरेटिव है उसके पीछे. कुछ चीज़ें हम खुद भी रिसर्च कर सकते हैं, आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, काफ़ी चीज़ें अवेलेबल हैं और कई डिटेल्स जो आपको शायद ऑनलाइन नहीं मिलती हैं जिसके लिए आपको रियल रिसर्च करना पड़े, उन चीज़ों के लिए भी थैंकफुली आज हमारे पास ऐसे लोग हैं जो इन सब टॉपिक्स पर काम कर रहे हैं, सच्चाई लाने के लिए दिन रात वो अपना प्रयास कर रहे हैं. अभिजीत चावड़ा जी, ओमेंद्रु रत्नू जी जैसे लोग हैं, तो हमें कम से कम इनकी बातें सुनना चाहिए, समझना चाहिए और अवेयरनेस और लोगों में भी फैलानी चाहिए. वंदे मातरम.